मेरा नाम राजेंद्र सिंह है जी। जी, एक सर्विसमैन हूँ, 6 साल हो गए रिटायर हुए सेंट्रल गवर्नमेंट से, और मैं मोदी के पक्ष का आदमी हूँ। इसने देश के लिए, वास्तव में ही देश के लिए जो अच्छा काम किया, पहले सुरक्षा अपने देश की होनी चाहिए, जो सबसे पहले उसने की है। चाइना अब तक हमारे अंदर घुस गया, वो सिर्फ मोदी की मेहरबानी से, जो अंतर्राष्ट्रीय में जिसने अपनी ख्याति प्राप्त की है, पहले देशों में, बाहर देशों में जो इसने अपनी वो की है, देश का नाम रोशन किया है, मैं सबसे ज्यादा लाइक इस बातें करता हूँ। मोदी से कोई वैर नहीं, कृष्ण पाल तेरी खैर नहीं, ये हमारे यहाँ की जनता, आम जनता की वो है। मोदी से कोई वैर नहीं, कृष्ण पाल तेरी खैर नहीं। कृष्ण पाल ये कहता है उल्लू, ये कहता है कि मुझे नहीं वोट देते, मुझे मोदी को वोट देते। हम ठीक है, मोदी को 2 बार वोट दिए, लेकिन मोदी को ये तो पता है जब इसे वोट, ऐसे कहता है तो इसकी टिकट काटनी चाहिए थी। अगर कोई दबाव से उसे दिए तो आपको उसे वोट नहीं देंगे, ये हमारा पक्का इरादा है। मोदी बहुत अच्छा है, ठीक है, सारे नेता, मानो मेरी कमीज थोड़ी काली है, उसकी थोड़ी उजली है, लेकिन सारे सब हमाम में नंगे हैं। सारे राजनेता करते रहा फेरी, सारे, कोई ऐसा नहीं है दूध का धोला, लेकिन अब सारे चोरों में से एक अच्छा चोर है, कम चोर है उसी को चुनो। बस हम तो ये बात कहते हैं कि सारे हिंदुस्तान में सब चोर है, एक मेंबर भी सोचता है कि मेरी गली बन रही है, हाँ सरपंच साइन जब करूंगा मुझे दे, हाँ फिर अगली गली में जाएगा, हाँ सरपंच दे दे। सारा हिंदुस्तान चोरों का है, इस बात में कोई वो नहीं है, लेकिन कोई बड़ा चोर है, कोई छोटा चोर है, जो सबसे अच्छा चोर है, जो इंसानियत रखता है उसे दे। कृष्ण उसको 1 से लाख तक ही वोट नहीं देने देंगे जी, मेरे, मेरा पूरा परिवार मोदी भक्त है, एक भी वोट उसको नहीं जाएगी। हाँ नहीं, कृष्ण पाल को नहीं जाएगी, जो ये कहता है कि मुझे नहीं देते, मोदी को देते हैं। तो भाई ठीक है, मोदी ने दिए तो किसी दबाव में दी होगी या कोई बात होगी, लेकिन हम तो लाइक नहीं करते उसको, हम नहीं देंगे बिल्कुल भी वोट। हमारा तो पक्का इरादा है, और गांव से भी जितनी हमारी मेहरबानी होगी कृपा करेंगे तो उसको वोट ना दे, चाहे भले किसी को दे दो, पर आपको उसे नहीं दे, जो ये कहे कि मुझे नहीं मोदी को। अरे तू फिर इसलिए आएगा, तू किस लिए यहाँ आया, इसलिए समाज में आवे नहीं, कहीं आवे नहीं। भाई सड़क प्रशांत नाम है, अटानी गांव से हूँ, और हमारे कृष्ण पाल गुर्जर सड़क मंत्री रह चुके हैं, 5 साल हो गए इनकी, मतलब की सोसाइटी में, मतलब जीवन में 5 साल से मतलब कड़क नहीं बन, इधर उधर आ रही है, ये तो मतलब जो भी है, ये राजनीति मंत्री पूरा गंदा, 10 साल हो गए, 10 साल में एक भी सरकारी वैकेंसी पूरी हुई नहीं है, कोई भी नहीं हुई है, आप उठा के देख लो। और पिछले कांग्रेस के टाइम में भी, कांग्रेस के टाइम में वैकेंसी ठीक है डिले होती थी, पर पूरी तो होती थी, इनके टाइम में तो कुछ भी नहीं हुआ, एक भर्ती भी नहीं आई, पर्चे लीक हो रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, ये तो थर्ड क्लास से भी कह देते हैं, थर्ड क्लास है। गठबंधन में जेजेपी वाले ने बोला कि 75% आरक्षण देंगे हम प्राइवेट सेक्टर में, क्या हुआ उसका, IIT में हमारे यहाँ जाके देख लो बंदों को, मैं आप साथ चलने के लिए तैयार हूँ, IIT में कह देते लोकल है नहीं रखना, क्या लोकलों की जमीन नहीं है, क्या लोकलों के पास डिग्री नहीं है, क्या कुछ नहीं है जो उनको ऐसा बोल दिया जाता है, कहीं ना कहीं सरकार की मिली भगत है, इससे ये सारे काम हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। और मेनली एक चीज अपना फैजाबाद, ग्रेटर फैजाबाद से बाईपास से निकले, जितना बड़ा साम्राज्य कृष्ण पाल गुर्जर ने खड़ा कर लिया है ना, आज से पहले आज तक किसी मंत्री के पास नहीं रहा है, सारे चौक बदल के उसके अमौलिक के नाम से बदल दिए गए हैं, और अमौलिक शायद उसका उसके उनके पोते का, सारे बिजनेस सब अमौलिक के नाम से कर दिए गए हैं, और व्हाइट हाउस के सामने जितनी भी जमीन ले ली गई है वो भी उन्हीं के नाम पे है, जितने भी बिल्डर्स हैं उनके साथ शेयर ऐड कर ले गए, ये मतलब लोगों को पागल बनाया जा रहा है, और उसने बस अपनी इतनी संपत्ति जोड़ ली, शायद उसकी 50 आने वाली पीढ़ियां वो अगर उसको खर्च करें ना वो कभी खत्म नहीं होगी। इसके बाद अब जो नया रूट कायम किया है, वो नया रूट कायम किया है मंजाली की तरफ, वो ऑलरेडी मतलब खरीद लिए गए हैं, वो कटपुला से यूनिवर्सिटी नोएडा की तरफ, तो यहाँ पे यंगों को, सारे नौजवान लोगों को, सबको बताएंगे क्या चीज़ है, रेशियो क्या है, नौकरी कितनी दे रहे हैं। हमारे गांव में से शायद भगवान की दुआ रही ना तो शायद इसका मतलब सूखड़ा हो जाएगा पूरा जीरो, और लोग कहते हैं कि मोदी बढ़िया, मोदी बढ़िया, मोदी तो बढ़िया, लेकिन बागड़ बिल्ले को देख लो, वो बागड़ बिल्ले के क्या काम कर रहे हैं, मतलब नीचे क्या है, बागड़ बिल्ला कॉमन सी बात है। आप देखो हमारे मंत्री साहब हैं और भी हम मतलब यहाँ पे इतने एक्सीडेंट हुए इस रोड पे, इतने लोग गुजर गए हैं,
हम लोग इन चीजों को फेस करते हैं कि कभी किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी का सर आ गया ट्रक के नीचे, यहाँ से मतलब रोडों की व्यवस्था इतनी खराब है और मतलब ये रोड अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। वहां पर जाने के बाद इतनी बार उनसे विनम्र प्रार्थना कर ली है, बोल दिया गया है, तो उनसे कह देते हैं कि भाई ये बाद में बन जाएगा, अभी आधा पैसा आया है। कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं कुछ पैसा बाद में लगाएंगे, हमें पूरा पैसा नहीं आता। मतलब इस तरीके के मतलब एक्सक्यूज रखे जाते हैं, ऐसे पागल बनाया जाता है कि लोग मतलब जैसे कि मतलब जानते ना हो, बेवकूफ हो, उनको इस चीज के बारे में पता ना हो। लोग जानते सब कुछ है लेकिन लोग इंतजार कर रहे हैं कि कोई सत्ता परिवर्तन ऐसा हो और कोई अच्छा आदमी ऊपर आए ताकि हम लोग उससे अपनी दोबारा से अपनी इच्छाओं को, अपनी जो परेशानियों को उनके सामने रखें और दोबारा से कोई एक नई सत्ता करें। क्या सुनना है? मेरा नाम देवेंद्र और अटाली से है और उम्मीद यही रहेगी कि हम और लोगों के भी हाथ जोड़ेंगे कि इसको वोट न दें, चाहे दुनिया में बड़ा अल्टीमेटम दिया कि यहाँ गाँव में नहीं घुसने देंगे, यहाँ शव यात्रा निकाली दो हफ्ते पहले, मुंडन करवाया पिछले हफ्ते। हाँ, ये चीज मोहने गांव के अंदर हुई है, मोहने गांव में एक बहुत बड़ी समस्या चल रही है जमीन को लेके, और जमीन ले ली भी गई है तो अभी लोगों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कई बार अर्जी भी लगा ली, हाथ भी जोड़ लिए और काफी लंबे समय से धरना चल रहा है लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं है। उसका ध्यान सिर्फ किस पर चीजों पर है कि अभी कुछ नया चीज खरीदना है, कुछ नई बिल्डिंग्स को रेडी करना है, कुछ नए कॉन्ट्रैक्टर लेके आने हैं, अब ये देखना है कि पैसे को कैसे बिल्ड किया जाएगा, कैसे बनाया जाएगा, कितने रिलेटिव्स के साथ मतलब उनको उनको पैसे को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो सारी चीजें वो लोग जानते हैं अपने तरीके से मतलब उसको सर्कुलेट कर, ताकि उनको ये नहीं रहना चाहिए कि ईडी हम पर आगे बैठे तो कोई मतलब सबूत नहीं होता, वो अपने लिए तो कोई रास्ता मतलब छोड़ना नहीं चाहते। उन्होंने पूरे फरीदाबाद में जितनी भी जमीन है, जायदाद है, जितना भी है, पूरा इतना कर लिया है कि शायद उनसे कभी ये पैसा अभी खत्म नहीं होगा। और बहने वालों की समस्या को हम जैसे ग्रामीण है, क्योंकि हम लोग लोकल है, हम लोग फेस करते हैं परेशानी है क्योंकि हम लड़के हैं, हम एक छोटी सी नौकरी करने वाले लोग हैं तो हम लोगों को ज्यादा परेशानी होती है। अब जो पैसे वाला है, जो बिजनेस में आती है, उसको क्या परेशानी, उसका कौन सा बच्चा दूर नौकरी करने जा रहा है? आप यहाँ पे आईएमटी में जाओ, आईएमटी में जाने के बाद ये बोल दिया जाता है कि ये तो लोकल का बंदा है, बिहारियों को यहाँ पे रख लिया जाता है। ऐसा क्यों? बिहारियों को प्रिफरेंस दी जा रही है क्योंकि वो 8,000 रुपए में जॉब कर रहा है, उसका शोषण भी होगा, लेकिन यहाँ के बंदे को नहीं रखा जाता क्योंकि उससे कहते जाता है ये तो लोकल का, इसको नहीं रखना। क्या आईएमटी होने के बावजूद, दूधौला में होने के बावजूद, पिटले में होने के बावजूद, पिटले विधानसभा में इतनी कंपनियां होने के बावजूद भी बेरोजगारी इतनी है आज तक, मतलब कोई चीज तो कोई मतलब इसके ऊपर बोलते ही नहीं है, बात ही नहीं करते। इससे पहले आप एक एग्जांपल ले लो, रघुवीर सिंह टेवतिया के, इससे पहले उसने 1400 नौकरियां दी है और बिना रिश्वत, वो एक ऐसा बंदा रहा है और हम लोग उम्मीद भी करते हैं कि भगवान करे कि वो आ जाए दोबारा से, हम लोग उनका इंतजार भी करें। उसने एक खुले होके नौकरियां दी हैं और कोई भी उस पर एक रुपए का एलिगेशन लगा दे तो वो चैलेंज करता है कि हाँ भाई अगर एक रुपये किसी ने किसी से एक रुपया लिया है तो मैं ये पद छोड़ दूंगा। और हम चाहते हैं कि मतलब हम उन्हीं को सपोर्ट करें, हम कांग्रेस पे वोट देंगे। इस बार हमारा मतलब पूरी तरह से कोई मन नहीं था, हमने पहले वोट कर दिया कि हाँ मोदी जी हैं तो अच्छे हैं, कुछ अच्छा करेंगे, अच्छा कर रहे होंगे तो ऊपर लेवल पे कर रहे होंगे, लेकिन मोदी जी नीचे आके देखेंगे ना तो जमीन स्तर पे तो पिस हम लोग रहे हैं, चाहे वो खेत से है, जमीन से है, सड़क से है, चाहे नौकरियों से है। जमीनी सतह पे आके बात करते हैं ना तो रियलिटी जब पता चलती है। हम बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता, हम ये कर लेंगे, अरे हमें देश की अर्थव्यवस्था के कहले, देश की अर्थव्यवस्था को चलाएगा मोदी, देश की अर्थव्यवस्था को रन करेगा वो देखेंगे इसको, वो उनका काम है, हमारा काम नहीं। हमारा काम क्या है कि हमें अपना डेली रास्ते से जाना है, 2 रुपए कमा के लाना है, अपने घर को चलाना है, अपने बच्चों का पेट पालन करना है, हमारा मेन काम ही है। हमें जो और हमारी जिम्मेवारी है, हमारी छोटी सी जिम्मेवारी है कि हम अपने घर को पालन पोषण करना, लेकिन जो बड़े काम है वो उन्हीं के लिए, हमारा नहीं है। हम करते हैं देश, हम देश के बारे में क्या सोचेंगे, हम देश के बारे में इतना सोचेंगे कि हम हिंदुस्तान ही है, हम देश के निवासी है, लेकिन इतने बड़े मतलब हम लोग जो ड्रीमी मतलब ख्याली इस तरह के मतलब ये जो बने थे, जो कल्पनाएं चलती है वो उपलब्ध नहीं हो रही और बातें बड़ी बड़ी, बस यही है अभी तक तो यही चल रहा है। बाकी और भी है, बाकी हमारे भाई साहब कुछ बता देंगे, बाकी सारी चीजें वो भी जानते हैं, वो भी क्या देखा। जितने भी सारे नौजवान है उनको रोजगार नहीं मिलता, रोजगार नहीं मिलेगा तो क्या होगा, रोजगार नहीं मिलेगा तो बेसिकली बेचिंग है, कोई उत्पाद होगी या फिर कोई मतलब कि पुलिस केस होंगे, ये चीज बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, तो ये सब तो कॉमन बात है। मतलब कि एक युवाओं को एक तरफ ऐसे ढकेल देना खाई में, तो उससे हमारे देश का नाम ऊंचा हो जाएगा क्या?
बेसिकली जो भी है मतलब ये छोटी से छोटी चीज से स्टार्ट होता है, फिर ही तो बड़ी प्रोस्पेक्ट होता है। कोई भी छोटी कंपनी लगाता है, उससे बाद बड़ी कंपनी लगाता है, तभी आगे जाके सक्सेस होता है। ऐसा नहीं है कि एकदम से सक्सेस हो जाए, तो पहले हम छोटों की जितनी भी समस्या है वो दूर करें, तभी तो आगे जाके मतलब कि भविष्य में बहुत सी चीज़ है वो डेवलप हो पाएंगी। ऐसा नहीं है कि एकदम से आप बड़ी मतलब कि कंपनी खड़ी कर दो और उसमें है कुछ नहीं, तो ये ऐसा ही है।